बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद उसामा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी विल डिस्कस ग्रेड नाइन्थ फिजिक्स चैप्टर नंबर वन, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाइल कवरिंग द चैप्टर वी विल डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस। तो जैसे ही हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास एज यूजुअल जिस तरह हमने केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अंदर पढ़ा था, हमारे पास साइंस की डेफिनेशन आती है। द नॉलेज गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स इज कॉल्ड साइंस। फॉर योर कन्वीनियंस आई हैव हाईलाइटेड इट। ऐसा नॉलेज या ऐसी तालीम जो कि हमें मुशाहदों के ज़रिए या हमें एक्सपेरिमेंट्स तजर्बों के ज़रिए हासिल हो, इसको हम साइंस कहते हैं। इट माइट बी योर शॉर्ट क्वेश्चन इन बोर्ड एग्जाम्स। नेक्स्ट इज फिलॉसफी, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो बोर्ड के अंदर 2 मार्क्स का आ सकता है। वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ मटीरियल ऑब्जेक्ट्स वर स्टडीड अंडर अ सिंगल सब्जेक्ट कॉल्ड नेचुरल फिलॉसफी। बहुत ऑब्जेक्ट्स जो कि सिंगल ब्रांच के अंदर या सिंगल सब्जेक्ट के अंदर स्टडी किए जाए उनको हम नेचुरल फिलॉसफी कहते हैं। बट एज द नॉलेज इंक्रीज्ड इट वॉज डिवाइडेड इंटू 2 मेन स्ट्रीम्स। लेकिन जिस जिस तरह नॉलेज बढ़ता गया इनको मज़ीद 2 ब्रांचेस के अंदर डिवाइड कर दिया गया। द फर्स्ट वन इज़ फिजिकल साइंसेज विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, एंड द सेकेंड वन इज़ बायोलॉजिकल साइंसेज विच आर कंसर्न विद द लिविंग थिंग्स। फिजिकल साइंसेज के अंदर नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में और बायोलॉजिकल साइंसेज के अंदर लिविंग थिंग्स के बारे में, जानदारों के बारे में हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट इज द ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स। इट्स अ लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें 3 या 4 ब्रांचेज आपसे पूछी जा सकती हैं बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर, तो इसको डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट ब्रांच इज मैकेनिक्स। इट इज़ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इट्स काजेज एंड अफेक्ट्स। फर्स्ट ब्रांच जो है वो मोशन ऑब्जेक्ट्स की मोशन को, उसकी काज को और उसके अफेक्ट्स की स्टडी को कहते हैं। फिजिक्स के अंदर हम 2 चैप्टर्स आगे पढ़ेंगे, डायनामिक्स और काइनेमेटिक्स, उसी उसके अंदर भी मोशन की काज को और डिस्कस किया जाएगा। ऑब्जेक्ट्स की मोशन को कि वो किस तरह होते हैं और उनका क्या इफेक्ट होता है, हम मैकेनिक्स के अंदर डिस्कस करते हैं। द नेक्स्ट इज हीट। इट डील्स विद द नेचर ऑफ हीट, मोड्स ऑफ ट्रांसफर एंड इफेक्ट्स ऑफ हीट। इस ब्रांच के अंदर हम हीट के नेचर के बारे में डिस्कस करते हैं, उसके मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह हीट किस तरह ट्रांसफ़र हो रही है, एंड इफेक्ट्स ऑफ हीट, और हीट का क्या इफेक्ट हो रहा है बॉडी के ऊपर, ये डिस्कस करते हैं। द नेक्स्ट ब्रांच इज साउंड। इट डील्स विद द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड वेव्स, देयर प्रोटेक्शन एंड प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन। इस ब्रांच के अंदर हम साउंड वेव्स की फिजिकल एस्पेक्ट्स को पढ़ते हैं, उनकी प्रोडक्शन को पढ़ते हैं और किस तरह प्रोड्यूस हो रही हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं और उनकी एप्लीकेशंस को डिस्कस करते हैं कि उनकी एप्लीकेशंस किस किस चीज़ के अंदर हैं। द नेक्स्ट इज़ लाइट, ऑप्टिक्स। इट इज़ द स्टडी ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट, इट्स प्रॉपर्टीज़, वर्किंग एंड यूज़ ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इस ब्रांच के अंदर हम फिजिकल एस्पेक्ट्स की बात करते हैं लाइट की, उसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं कि लाइट की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसके वर्किंग प्रिंसिपल की बात करते हैं कि लाइट किस तरह वर्क करती है किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर। जो इंस्ट्रूमेंट लाइट के साथ यूज़ किया जाए उसको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। द नेक्स्ट ब्रांच इज इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इट इज़ द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट एंड इन मोशन। ये ब्रांच स्टडी करती है चार्जेस की जो कि रेस्ट में हों या मोशन में हों। जैसे कि हमें पता है द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, तो जो चार्जेस रेस्ट के अंदर होंगे या मोशन के अंदर होंगे उसकी स्टडी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में होगी। देर इफेक्ट्स, उनके क्या इफेक्ट्स हैं, ये भी हम डिस्कस करते हैं इसके अंदर, एंड द रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म, और उनका इलेक्ट्रिसिटी का रिलेशनशिप मैग्नेटिज्म के साथ क्या है, ये भी इसी ब्रांच के अंदर हम डिस्कस करते हैं। सो द नेक्स्ट ब्रांच इज एटॉमिक फिजिक्स। इट इज़ द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स। तमाम एटम्स की स्टडी, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करना, ये हम एटॉमिक फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं।
The next branch is nuclear physics. It deals with the properties and behavior of nuclei. इस ब्रांच के अंदर हम न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं. न्यूक्लियस जो कि एक एटॉमिक स्ट्रक्चर के मिडल पार्ट होता है, जो कि जिसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं. एंड द पार्टिकल्स विद इन द न्यूक्लियाई, और जो न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल्स, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, हम उसको डिस्कस करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर. इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड विद अटोमिक सब्सटेंसेज एंड अटोमिक बॉम्ब एट्सेट्रा. द नेक्स्ट ब्रांच इज प्लाज्मा फिजिक्स. इट इज़ द स्टडी ऑफ द प्रोडक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक स्टेट ऑफ मैटर, द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर. इस ब्रांच के अंदर हम प्लाज्मा के बारे में बात करते हैं, जो कि फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी है. द फर्स्ट इज सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड द फोर्थ स्टेट इज प्लाज्मा. और इसके अंदर हम ये बात करते हैं कि किस तरह आयनिक स्टेट ऑफ मैटर जो है उसकी प्रोडक्शन होती है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, ये सब का सब हम प्लाज्मा फिजिक्स के अंदर डिस्कस करते हैं. द नेक्स्ट इज जियो फिजिक्स. इट इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ. ये ब्रांच अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर कोर के बारे में बात करती है, कि अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है. मैग्मा के बारे में बात करती है, उसकी कोर के बारे में बात करती है. सो दिस वॉज द ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स. अब हम फिजिक्स की डेफिनेशन कर लेते हैं. इन फिजिक्स वी स्टडी मैटर, एनर्जी एंड देयर इंट्रैक्शन. अगर इसको और रिफाइंड फॉर्म में हम कहें तो ये कह सकते हैं, इट इज फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी दे एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप विद ईच अदर. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, ये फिजिक्स की डेली यूजेस हैं, जो कि हमारी जिंदगी के अंदर फिजिक्स काम आती है. इसको हम एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं. द रैपिड प्रोग्रेस इन साइंस ड्यूरिंग द रिसेंट ईयर्स हैज़ बिकम पॉसिबल ड्यू टू द डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स. द टेक्नोलॉजीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स. मोस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजीज ऑफ आवर मॉडर्न सोसाइटी थ्रू आउट द वर्ल्ड आर रिलेटेड टू फिजिक्स. फॉर एग्जाम्पल, अ कार इज मेड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ मैकेनिक्स एंड रेफ्रिजरेटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. In our daily life, we hardly find a device where physics is not involved. Consider pulleys that make it easy to lift heavy loads. Electricity is used not only to get light and heat, but also mechanical energy to drive fans and electric motors, etc. Consider the means of transportation, such as cars and aeroplanes, domestic appliances such as air conditioners, refrigerators, vacuum cleaners, washing machines, microwave ovens, etc. Similarly, the means of communication such as radio, TV, television, and computer are the result of application of physics. These devices have made our lives much easier, faster, more comfortable than our past. For example, think what a mobile phone smaller than our palm can do. It allows us to contact people anywhere in the world and get latest worldwide information. We can take and some pictures, send and receive messages of our friends. We can also receive radio transmission and can use it as a calculator as well. So this was the main points जो कि फिजिक्स हमारी लाइफ के अंदर यूटिलाइज होती है और हमारे लिए हमारी लाइफ को इजी बनाती है. ये एक्सप्लेनेशन थी. इट वाज नॉट सो मच इम्पोर्टेंट, सिर्फ मैंने इसको रीड आउट कर दिया. तो हाउएवर, द साइंटिफिक इन्वेंशंस हैव आल्सो कॉज्ड हार्म एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचर, सीरियस नेचर, वन ऑफ विच इज़ द एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड द अदर इज़ द डेडली वेपन. तो जिस तरह साइंटिफिक इन्वेंशंस ने हमारी ज़िंदगी को आसान बनाया, इस ऑन द अदर हैंड इसकी कुछ हार्म्स और डिस्ट्रक्शन भी हैं, जो कि पोल्यूशन की फॉर्म में या लाइक अटोमिक एक्सप्लोसिव की फॉर्म में है, अटोमिक वेपन्स की फॉर्म में है. तो दिस वॉज द यूजेज एंड सम डिसएडवांटेजेस ऑफ फिजिक्स. एंड दिस वॉज द टॉपिक 1.1. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस और क्वेरीज, यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो. एंड काइंडली सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक एंड शेयर दिस लेक्चर विद योर फ्रेंड्स एंड अदर्स. थैंक यू सो मच.